दिवाली से पहले की शाम कई सपने टूटने का गम लिए चली थी उस ट्रेन पे। जितनी ऊंची मेरी सीट थी उतनी ही नीची मेरे सपने पूरे होने की उम्मीद। जैसे ही सीट पर चढ़ के बैठी तो सामने तुम्हें देखा, तुमसे पहले तुम्हारे उस लाल कुर्ते पर नजर पड़ी थी। देखकर ही समझ गई थी कि तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस थोड़ी खराब है, क्योंकि तुमने लाल कुर्ते के नीचे फुल पैंट पहन रखा था। तुम्हारे हाव भाव देखकर लग रहे थे कि जैसे सुबह किसी ने नींद में से उठाकर कह दिया कि भाई तेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर से जा रही है, और तू भागा भागा एक्सप्रेस की स्पीड में पहुंच गया। अब ये मत पूछना कि एक्सप्रेस कौन, काश तुमने बुक से थोड़ा उठकर बचपन में कार्टून देखे होते, वो बेंटन के सुपर यूज वाला जिसकी स्पीड शायद लाइट से कम पर साउंड से ज्यादा होगी। काफी मसरूफ थे तुम अपनी किताबों में, उन गालिब की किताबों में। एक पल को जैसे मन किया कि तुमसे पूछ ही लूं कि तुम राइटर तो नहीं, पर वो एटीट्यूड हाँ उसने मुझे रोक लिया। नींद ने तो दस्तक हमें नहीं दी थी, पर रात ने जरूर दे दी थी। ना मुझे नींद आ रही थी ना तुम्हें। मुझे तो इसलिए क्योंकि मुझे ट्रेन पे नींद ही नहीं आती, और तुम्हें इसलिए क्योंकि तुम्हारी सीट ही लगे से भरी पड़ी थी। तुम्हें याद है कुछ दिन बाद तुम्हारा फोन बजा था और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, ये भी कि तुम्हारा कोई बुक पब्लिश हुआ। मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि मेरे सामने वो इंसान बैठा था जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, मेरे सपने पूरे होने की उम्मीद मुझे दिख रही थी। तो मैंने थोड़ा एटीट्यूड को साइड किया और तुमसे पूछ ही लिया कि क्या तुम राइटर हो। वो मुझे तुम्हारा जवाब तो मालूम ही था, बस तुम्हारी हामी आनी बाकी थी। वो 10 घंटे का सफर मुझे 8 घंटे लगा, क्योंकि 2 घंटे तो मैंने ही बात की थी ना, तुम तो बस हाँ और ना में जवाब दे रहे थे। वो सफर वहां खत्म हुआ और हमारी बातें। एक दिन बस बड़ी शिद्दत से याद करते हुए तुम्हें फोन स्क्रॉल कर रही थी, तो वो मार्कर वर्क की वजह से मुझे तुम्हें वो पीपल यू में ना होता है उसकी लिस्ट में देखने को मौका मिला। बहुत मुश्किल था हाँ, बहुत बहुत मुश्किल था, पर बड़ी हिम्मत करके थोड़ा सा एटीट्यूड साइड किया और फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड। बहुत मुश्किल था, पर वो धीरे धीरे सही, पर तुम्हें पूरा जानने का मौका मिला। शायद तुम ही मेरे दिवाली के बोनस थे। ये तुम्हारी मैच्योरिटी भरी बातें, बच्चों वाली हरकतें, तुम्हारा रफ टफ सा लुक, और कभी कभी रात में धीरे से छुप कर रो लेना बिना इस फिलॉसफी की परवाह किए कि मर्द को दर्द नहीं होता। उस दिन आज तुम्हें थोड़ी और सही बातें, वो हमारी छोटी मोटी नोकझोंक बस ये कहकर खत्म कर दिया करते थे कि तुम्हारी सोच ये मेरी सोच। फिर बातें ऐसी शुरुआत होती थी कि जैसे हमने कभी झगड़ा ही ना हो। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो तुमने मुझसे बात करना छोड़ दिया है? आज मेरी एक गलती जो शायद मेरी थी भी नहीं, उसने तुम्हारा ऐसा क्या दिल तोड़ दिया कि आज मुझे ये खत लिखने की नौबत आ गई। छोड़ो ये सारी बातें, मुझे तो बस तुमसे इतना कहना है कि तुम्हारा फोन 4 दिन से अनरीचेबल आ रहा है, और तुम जो हमारा काम अधूरा छोड़ गए थे ना, उसे वापस आकर पूरा करो। और आगे की कहानी तुम्हारे आने के बाद, अब पार्टनर इन क्राइम तो तुम ही थे मेरे, तो अपने राज खुलने का डर तो सभी को रहता है, तो ये रिश्ता अब ऊपर वाला भी नहीं तोड़ सकता। अब ये रिश्ता मेंटेन करना पड़ेगा बिल्कुल उस एटीट्यूड की तरह। एक और बात जो इस खत में भी नहीं, वो आप सभी से पूछनी थी कि बेस्ट फ्रेंड की तारीफ करनी इतनी मुश्किल क्यों होती है? मुझे
दो घंटे लगे ये लेटर लिखने में। अब लेटर राइटर को जा रहा है तो होनी चाहिए ना लेटर राइटर वाली।